तो यही वो व्यक्ति था जिसके घर पुलिस वाले आ गए थे। हाँ कैसे हो सम्राटो? आपको पता है एक चीज आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुनी होगी कि एट्रोसिटी एक्ट का ना दुरुपयोग होता है। तो आज मैं जितने भी एससी और एसटी वाले लोगों से मिलूंगा उनसे पूछूंगा क्या उन्होंने अपने जीवन काल में इस एक्ट को कभी लगाया है कि नहीं लगाया है। तूने कभी किसी पर एट्रोसिटी एक्ट लगवाया है क्या? एसटी एससी एट्रो एक्सिटी? नहीं, अभी तक नहीं। तो यही वो व्यक्ति था जिसके घर पुलिस वाले आ गए थे। हाँ। ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं, मैं शॉप से आ ही रहा था तो जीआई वगैरह आए हुए थे, कुछ दिन पहले की बात है अभी। तो वो सामान लेने गया था दुकान तक, लौट के आया तो उतने में पहले एक कांस्टेबल, पहले हमारे जीआई आए गाड़ी से, तो एक जेंट्स कांस्टेबल और एक लेडीज कांस्टेबल आई। तो बोलते ये घर किसका है? तो जीजा जी मतलब गाड़ी लगा ही रहे थे। हाँ, उन्हें अपनी स्विफ्ट लगा रहे थे और वो ऊपर जा रहे थे। कौन कौन उतरा गाड़ी से? जीआई थे, उनके मम्मी पापा थे। अच्छा। हाँ, तो बोले कि वो चढ़ के आए, बोले कि गाड़ी से कौन आया है, बोले घर किसका है? तो पापा आए, तो पापा ने बोला कि घर तो हमारा है। बोले किस नाम से? बोले जन्मवीर सिंह के नाम से है। बोले साहब बुला रहे गाड़ी से कौन आया? तो यही आ गए। तो पहले तो ये लगा कि ऐसे कुछ यही गाड़ी से आ रहे, कोई ठोक ठाक के कहीं से आ रहे हैं गाड़ी को, तो ये लग रहा था। अच्छा। हाँ, तो फिर उत्ते में उनके वो टू स्टार कोई आया था, तो वो ऊपर चढ़ के आया। पहले बोले थे नीचे चलो, तो फिर वो ऊपर ही चढ़ाया, उसके संग दो कांस्टेबल और आए। अच्छा। तो ऊपर आके पूछो किसका घर है, किसका घर है? तो फिर पापा ने ले मेरा घर है। तो इतने सारे लोग रहते हैं उस घर में। अच्छा। हाँ, तो हमने बोले कि हम रहते हैं और ये हमारी रिलेटिव्स है। तो बोलना ये क्या बात, तो ये क्या सवाल हुआ? हाँ, वही बोलते कि बोले इतने सारे लोग रहते हैं। मतलब हाँ, हमारा घर है, सभी लोग रहते हैं। बोले कौन कौन है? मैंने बोले ये हमारे जिया जी, उनकी फैमिली आई हुई है। बोला अच्छा। फिर वो सब कमरे ढूंढने लगे कि कमरे में मेरा बेडरूम, पापा और दीदी के ससुर साहब वगैरह जहाँ बैठे थे। पूछा नहीं कि वैसे कैसे घुसे? नहीं, मैंने उनसे पूछी थी, जो डबल स्टार थे ना, मैंने डायरेक्ट उनसे पूछी थी कि आप लोग ये डायरेक्ट कैसे आप आ रहे हो, कि मैंने इतने तो यार अपन जानते हैं कि बिना सर्चिंग के आप एकदम से सडनली आ नहीं सकते किसी घर में। बोले कि मैं, मेरे पे पूरे राइट्स हैं, मुझे मत सिखाओ कि ना क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर वो एकदम से नाम लेने लग गए। अंजुल बमरोली, वो तो जानते हो ना तुम? मैंने बोला हाँ जानता हूँ। बोले कैसे जानते हो? मैंने, मेरे फैमिली टर्म्स हैं और बचपन के हम फ्रेंड्स हैं और क्या पास में ही रहते हैं हमारे। बोले तुम सब जानते हो, इस तरीके से मेरे से बोले। तो मैंने, सर बताइए तो आप ढूंढ किस कर रहे हो? बोले तुम्हें सब पता है। फिर वो नीचे चले गए। अच्छा। हाँ, ऐसे सर घूम के ऊपर वाले कमरे तक भी देखे, एक लेडीज कांस्टेबल थी। बोले ये क्या तरीका हुआ, तुम सब जानते हो? पता नहीं, समझ में नहीं आया। बोले तुम सब जानते हो? फिर जीने से एकदम से नीचे उतर गए। तो ऐसा लग रहा था कहीं वो बिना मतलब में परेशान करने की कोशिश की जा रही है। समझ में तो यही आ रहा था कि कोई सेंस नहीं निकला। हम इधर आए, देखे कमरे वमरे, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो कोशिश यही कर रहा था कि कॉलोनी वालों को पता चल जाए कि इनके यहाँ पुलिस वाले आए हैं और कुछ इस तरह का विवाद हुआ। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम ऑलरेडी ये सारी चीजें पूरी दुनिया को बता रहे हैं। सही बात है। अब उनको अगर ये पता होता तो शायद मुझे लगता है कि ये चिंदी चोरी नहीं करते। वो चिंदी चोरी थी और कुछ नहीं, वो बताना चाह रहे थे कॉलोनी में कि ये इनके संग ऐसा ऐसा हो रहा है, आजू बाजू में बताना चाह रहे थे। और शायद वो गलती से गलत घर में ही आ गए थे, मेरे घर में। ग्वालियर एक ऐसा शहर है जहाँ ना गुंडों का बहुत आतंक हुआ करता था। अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर तो ये हाल था कि जहाँ मैं, हमारा ऑफिस है ना यहाँ कुमरपुरा, यहाँ पर मोहल्लों के अंदर है ना कट्टे घर में बनते थे। मतलब जो पाइप होते हैं पानी के, उन्हीं को तोड़ तोड़ के ना बंदूकें बनाई जाती थी, इतने बुरे हाल थे। 2016 या 17 की मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ अपनी खुद की। मेरा घर है उसके पीछे से ना एक रोड गया हुआ है, मैं वहाँ से अपनी कार लेके निकल रहा था। मेरे पास से पुरानी वाली गाड़ी थी जो कि बहुत गंदी और धूल खा रही थी। मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था, वहाँ पर है ना मुझसे मिलने के लिए कोई आया हुआ था और उसे तुरंत वापस से ट्रेन पकड़ के जाना था। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट थे, मैंने अपने घर से गाड़ी निकाली तो रास्ते में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। मैंने उसको हॉर्न मारा क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में था, तो उसने गाड़ी नहीं हटाई। फिर मैंने फिर से हॉर्न मारा, उसने गाड़ी नहीं हटाई। मैं 2-1 मिनट रुका, जब तक वो गाड़ी हटाने लग गया, मैंने फिर से हॉर्न मारा ना, उसने गाड़ी रोक ली। फिर मैं रुका रहा, फिर उसने गाड़ी हटाने लग गया, फिर मैंने हॉर्न मारा, उसने गाड़ी रोक ली। मैं समझ गया कि मैं हॉर्न मार रहा हूँ तो जानबूझ के वो गाड़ी रोक रहा है। तो जब उसने साइड की गाड़ी में निकलते हुए देखते हुए गया, भाई कौन है ये, कौन ऐसा कर रहा है, उस व्यक्ति को इतना ही बुरा लग गया कि मैं उसे घूरता हुआ निकल रहा हूँ और उसने मेरे आगे गाड़ी लगाई और मुझे रोक कर है ना 4 लोगों ने घेर लिया और मुझे मारने की धमकी देने लग गया। मैं हैरान था, मैंने ये ऐसा कैसे हो रहा है यार। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूर के जाने की। मैंने बोला भाई क्या ये क्या नौटंकी हो रही है यार।
तुम रास्ते में गाड़ी लगा के खड़े हुए हो, मुझे जल्दी जाना है, तुम हॉर्न मार रहा हो, तुम गाड़ी नहीं हटा रहे हो अपनी। उस समय मैं इतनी ज्यादा जल्दी में था कि मैं बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं था। उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा, तुम भीमनगर से हो? मैंने बोला, नहीं, मैं यहाँ पीछे वाली गली से हूँ। इतना सुन के वो ठंडा पड़ गया। अगर मैं ये बोलता कि मैं भीमनगर से हूँ ना, तो हो सकता है वो मुझ पर अटैक कर देता, क्योंकि लोग है ना यहाँ बहुत ज़्यादा हीन भावना से देखते हैं STSC वालों को। उन्हें पता है कि सुरेश नगर का है तो कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति होगा। इतनी देर से खुला यार, बाहर इतनी गर्मी है। जुगल भाई आ गए, फिर भग गए, पैसे क्यों डर गए? ये डर गए तो मैं भी डर गया। तुम्हें क्या लगा क्राइम ब्रांच वाले आ गए? पता नहीं कौन आ गया, कौन आ गया। अरे ये गेट तक आ रहा है फिर। तूने कभी किसी पर STSC एक्ट लगवाया है? नहीं, कभी लगवाया नहीं। लगा जरूरी नहीं पड़ी। आपने लगवाया क्या किसी पे STSC एक्ट? नहीं भाई। सही बताओ, लोग बोलते हैं कि जिसको देखो वो मुंह उठा के STSC एक्ट लगवा देता है। ऐसे ही जरूरत ही लगवाएंगे भाई, शौक है अपन को। कोई परेशान करेगा, किसी को प्रताड़ित करेगा, तब ऐसा करेंगे हम। लगवाया नहीं है, लेकिन है ना इतना जरूर पता है कि STSC एक्ट है ना 80 के बच्चों का खेल नहीं है। उसमें ना जब जाते हैं ना लोग थाने में, दो चार लोग जाएंगे ना, उनको तो ऐसे भगा देते हैं जैसे कीड़े मकोड़ों को भगा, कुत्तों को भगा जाते हैं ना ऐसे। और उसके लिए पता नहीं कौन कौन से मतलब सबूत चाहिए, दो सब अपर कास्ट मतलब वो होने चाहिए सबूत में। हाँ, बहुत सारे झूल जा रहे हैं STSC एक्ट में। मतलब ये नहीं कि आप मतलब किसी ने गाली दे दी अपर कास्ट वाले ने या OBC ने, फिर लग गया इन पे तो लग जाएगा। बच्चों का खेल नहीं है। और आपको पता ना, अपन थाने सिर्फ आवेदन देने गए थे, अपना आवेदन नहीं लग गया था, आवेदन तक नहीं लिया था। STSC लगाने में ना अब तो बहुत ज़्यादा राजनीति हो गई, अब लगाते ही नहीं है, अब चक्कर लगाते रहो। 10 बार सोचते थाने जाने में, हमारा डेली का जो काम है, हम ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो इस चक्कर में हमारा ना दिन भर के काम रुक जाएं, या हमको पुलिस वाले बस बुलाते ही रहें या हमारे घर ही आते रहें। डर लगता ही लगता पुलिस स्टेशन जाने में, मुझे तो आज भी लगता है पुलिस स्टेशन जाने में। इतनी बार पुलिस मेरे घर आ गई है, और पुलिस अब घर आती है तो डर नहीं लगता, लेकिन पुलिस स्टेशन जाने में आज भी ऐसा लगता है यार कहाँ आ गए, क्यों आ गए। और लोगों को ये लगता है कि STSC एक्ट तो है ना, मतलब हर कोई लगवाता ही रहता है, ये गलत है, नहीं अरे लगाते ही नहीं। और लगवाने अब किसी ने ना अब तो आप लगा नहीं सकते नहीं। अब अगर किसी ने STSC एक्ट लगाया होगा तो वो किस कंडीशन में लगाया होगा, कितनी हिम्मत करके गया होगा। जब मैं गया था ना STSC एक्ट लगवाने, मतलब मैं नहीं गया था, मेरे ब्याह पर मतलब मैं उनके ब्याह पर गया था, लेकिन मुझे पता है कि थाने वाला जो लिख रहा था एप्लीकेशन वो किस तरह से भगा रहा था। सनी ने बताया ना, कुल वही कंडीशन थी, अरे ये क्या लगवा रहे हो, ये यहाँ थोड़ा लगता है, अरे ये जज के सामने बोला तब लगेगा, यहाँ से नहीं लगता। अच्छा, और मैंने ना अपना कैमरा निकाल के ऐसे किया थोड़ा सा, उत्ते में वो घबरा गया, फिर तुरंत लग गया, उसे लाइव से रिकॉर्डिंग कर ली बोलते हुए। मतलब मुझे पता है कितनी हिम्मत करके गए थे हम। एक और नई समस्या की बहुत सारी जगहों से ना ये पॉलिथीन जो है बैन हो रही है, तो आने वाले टाइम पे कुरियर हम नहीं भेज पाएंगे इन पॉलिथीन में। वीडियो देखे थे मेरे 2-3 दिन के? हाँ, आज का देखा। तो पता है मनुमादी मुखिया कौन है? हाँ। और वो अम्बेडकरवादी व्यक्ति कौन है? हाँ। तो हम आगे बताएंगे, हाल फिलहाल नहीं बता रहे हैं, अभी आप स्टोरी सुनिए पूरी। कभी भी ऐसे नहीं होते जितना ये लड़ाकू है ना, ये देखो कितना लड़ाकू है। फाइनली हमने इसको टी शर्ट पे प्रिंट करवा लिया, सिग्नेचर दैट चेंज बिलियंस ऑफ लाइफ। मैंने अपने चैनल पर एक पोल किया था कि आपने कभी किसी पर STSC एक्ट लगाया है। 7% लोग बोलते हैं हाँ, 93% लोग बोलते हैं नहीं। लगभग 2,700 वोट चले। लगाने के लिए गवाह चाहिए और समझौता के लिए दबाव बनाया जाता है। गरीब आदमी बेचारा क्या करे, जब रेप होता है तब तो अच्छे से FIR होती नहीं। सारे लोग STSC एक्ट को इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। जो पढ़े लिखे थोड़े शिक्षित लोग होते हैं, अनुसूचित जाति के, वही लोग STSC एक्ट का इस्तेमाल कर पाते हैं। हाँ अंजुल भैया, एक बार लगवा दिया था लेकिन सजा अब तक भुगत रहे हैं। आई हेट चाय। अब मुझे समझ आया संगति का असर कैसे होता है। मतलब मैंने अपने जीवन में इतनी चार चाय नहीं पी, इतनी और मैंने चाय बना दी। टेस्ट करके देखता हूँ कैसी लगती है। इतनी बुरी नहीं है यार।
आज के तमाम प्राचीन हिंदू धर्मस्थलों को बौद्ध मठों स्तूपों का विध्वंस करके बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद ने अपने समग्र संकलन में लिखा है कि उड़ीसा के बौद्ध मठों को मंदिर में परिवर्तित किया गया। हिंदू दुनिया की इकलौती कौम है जिसने अपने स्वधर्मियों के खिलाफ अत्याचार और अन्याय का संस्थागत ढांचा तैयार किया जो आज तक जारी है। इसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। मैं लगातार है ना 3 घंटे से ज्यादा सो नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना सारा काम है और सब मुझे अकेला ही करना है। जो आज स्टोरी मुझे सुनानी थी ना वो मैं कल कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि उसको भी बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाना है आपको, क्योंकि कल जो समस्या है ना वो मेरे साथ स्टार्ट हुई थी। कल मिलते हैं।